नमस्कार, मैं दीति फौजर, आप देख रहे हैं हमारे साथ द नगरी मीडिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दो दिन के यूए दौरे पर जा रहे हैं। वे यहाँ यूए के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जैद अली के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। इसके अलावा वे अलान मोदी यानी कि हेलो मोदी कार्यक्रम में यूए में रहने वाले भारतीय समुदाय के 65,000 लोगों को संबोधित भी करेंगे। पीएम मोदी 14 फरवरी को राजधानी अबू धाबी में देश के पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन भी करेंगे। 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद पीएम मोदी का 7वां यूए दौरा है ये। वे पीएम के तौर पर पहली बार अगस्त 2015 में यूए गए थे। उन्होंने 2018-19 में भी यूए का दौरा किया था। 2019 में यूए सरकार ने मोदी को देश के टॉप नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ जैद के साथ नवाजा था। यूए में करीब 35 लाख भारतीय रहते हैं। ये देश की कुल जनसंख्या का 30% से ज्यादा भारतीयों का देश है। भारतीयों की तादाद यहाँ पर सबसे ज्यादा है दूसरे देशों की तुलना में। वहीं रशिया, सऊदी अरेबिया और इराक के बाद यूए भारत का चौथा सबसे बड़ा ऑयल सप्लायर है। यूए उन अरब देशों में से एक है जो पाकिस्तान के सबसे नजदीक है। उनकी दोस्ती का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि आर्थिक तंगी से जूझ रहे पाकिस्तान को यूए ने भंडार भरने के लिए 1 अरब अमेरिकन डॉलर की मदद की थी। ये पहली मौका नहीं है, इससे पहले भी यूए पाकिस्तान को कर्ज देकर मदद कर चुका है। हालांकि पाकिस्तान से अच्छे संबंध होने के बावजूद यूए कश्मीर को लेकर भारत के खिलाफ कोई भी बयान देने से बचता है। 2019 में जब भारत ने कश्मीर को विश्व अधिकार देने के साथ ही आर्टिकल 370 को खत्म किया था तो यूए ने इस भारत का इंटरनल मामला बताया था, जबकि पाकिस्तान भारत के इस एक्शन पर अरब देशों में कड़ी प्रतिक्रिया देता है। इससे पहले भी यूए भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार भी बन चुका है। दोनों देश के बीच 6 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का कारोबार है। इसमें यूए ने भारत से 2 लाख करोड़ रुपए का इंपोर्ट भी किया है। भारत ने यूए के साथ फाइनेंशियल संबंध भी बहुत अच्छे बनाए। भारत ने फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में यूए से 4 लाख करोड़ रुपए का इम्पोर्ट भी किया। भारत ने यूए के साथ ट्रेड पैक्ट भी साइन किया हुआ था। यूए ने भारत के प्रमुख एक्सपोर्ट में से पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, मेटल, स्टोन्स, ज्वेलरी, मिनरल प्रोडक्ट्स और सारे फूड आइटम्स के साथ भी काफ़ी कुछ इम्पोर्ट किया है। इसके साथ ही उन्होंने शुगर, फ्रूट, वेजिटेबल, टी, मीट एंड सी फूड और टेक्सटाइल इंजीनियरिंग और केमिकल प्रोडक्ट्स को भी इसमें शामिल किया है। आज के लिए बस इतना ही। ऐसे न्यूज़ अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे चैनल द नगरी मीडिया के साथ।